नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके सामने 10 ऐसी जगह को लेके जो कि आप अपने फैमिली के साथ इस बारिश के मौसम में भी जा सकते हो और वो भी 100 किलोमीटर के अंदर। जी हाँ, और ये सारी जगहों को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। पहला 5 जहाँ पे आप नहा सकते हो और आखिरी 5 जहाँ पे आप नहा तो नहीं सकते पर जा जरूर सकते हो। और इन 10 जगहों को जानने के लिए आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। थोटीकाट्टु फॉल्स, जिसे टीके फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, शायद बैंगलोर के जाने माने और सबसे नजदीक वाटरफॉल्स यही है। बैंगलोर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे कनकपुरा में ये फॉल्स है। फॉल्स की तरफ जाते हुए आपको लगेगा कि आप किसी जंगलों के भीतर से जा रहे हो। थोड़ी बहुत चढ़ाई भी है अगर आप फॉल्स के ऊपर के हिस्से में जाना चाहते हो, वरना फॉल्स तक तो नॉर्मल वॉक ही है। बूदीकोटे डैम, जो कि बैंगलोर से सिर्फ 65 किलोमीटर में होते हुए भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये जगह कोलार की तरफ है। कोलार नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? जी हाँ, ये नाम से तो शायद आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि अपना रॉकी भाई 2 सुपरहिट ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ये जगह के बारे में नहीं सुना, अब तो सुन लिया ना, बनाइए अपना प्लान। श्रीनिवासा सागरा डैम, ये एक जानी मानी जगहों में से है। बैंगलोर से लगभग 85 किलोमीटर दूर चिकबल्लापुरा की तरफ है। ज्यादा चलना या फिर चढ़ना नहीं है यहाँ। बारिश के मौसम में पानी यहाँ से उभरते हुए नीचे की तरफ बह जाता है और उसी में सभी नहाने का मजा लेते हैं, वो वाटरफॉल में नहाने जैसा अनुभूति। इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट भी है जहाँ से इसका व्यू बड़े ही खूबसूरत दिखता है। डब्बागुली, जो कि तमिलनाडु में है। एक्चुअली ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया पे है। बैंगलोर से इसकी दूरी करीबन 100 किलोमीटर का है। जो लोग ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं वो तो इस जगह में राइड या फिर ड्राइव करते हुए जरूर खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने बचपन में लौट जा सकते हो, वो बचपन में जैसे सब मिलके पिकनिक मनाते थे ना, वैसे। और पिकनिक मनाने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकता है। तालाकाडु, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस जगह के नाम नहीं सुना। दो कारणों से ये जगह फेमस है। एक, यहाँ पे आप बहुत ही प्राचीन मंदिर दर्शन कर सकते हो, और दूसरा, दर्शन के साथ साथ बहती हुई नदी में नहाने का मजा भी ले सकते हो। बैंगलोर से इसकी दूरी बस 110 किलोमीटर का है। तो अगर आप चाहो तो भगवान दर्शन के साथ साथ थोड़ी बहुत नदी में नहाने का मजा भी ले सकते हो। मुनिनगर डैम, ये भी बैंगलोर के आसपास में एक जाने माने जगहों में से एक है। बैंगलोर से ये बस 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ज्यादातर लोग 2-व्हीलर्स पे आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना 4-व्हीलर लेके नहीं आ सकते। आप यहाँ सुबह और शाम कोई भी वक्त जा सकते हो। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, स्पेशली अगर आसमान नीला हो तो इंतजार किस बात की। मावातूर डैम, कोई कोई इसे मावातूर वाटरफॉल्स भी कहते हैं। वेल, ये बेसिकली एक डैम है जो कि बैंगलोर से बस 50 किलोमीटर में कनकपुरा की तरफ है। वैसे ये जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जगह तो खूबसूरत है ही, साथ में पिक्चर परफेक्ट फोटो खींचने के लिए दो स्पेसिफिक जगह भी दिया हुआ है। अच्छा होगा कि आप यहाँ सुबह के वक्त ही आए, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड प्लेस में है। शूलागिरी डैम, वैसे है तो ये तमिलनाडु में, पर बैंगलोर से ये बस 50 किलोमीटर की दूरी पे ही है। नहीं, ये जगह के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ये जगह कृष्णगिरी की तरफ जाते हुए शूलागिरी। जी हाँ, आपने शायद वो जगह बहुत बार देखे होंगे। यहाँ पे आप सुबह या शाम कभी भी आ सकते हो, पर हाँ, अंधेरा होने से पहले आप यहाँ से निकल लो। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेट करने से शायद आप ट्रैफिक में फंस सकते हो। शिवाना समुद्र, कोई कोई इसे शिवा समुद्र फॉल्स भी कहते हैं।
शायद ही कोई ऐसा हो जो बैंगलोर में रह रहे हो पर इसका नाम नहीं सुना हो। ये एक बहुत ही लोकप्रिय जगहों में से एक है और बहुत लोग यहाँ आते भी है। हालांकि यहाँ कोई नहा नहीं सकता या फिर नजदीक भी नहीं जा सकता, इसे दूर से ही देखना होता है। और ये जब फुल फ्लेज में बहती है इसका रूप ही कुछ अलग होता है। तो आपने क्या इसका अभी का रूप देखा है? वाताधोसहली लेक या फिर सब्बनहली लेक, आप कुछ भी कह लो, दोनों एक ही जगह है। पर क्या जगह है! बैंगलोर से इसकी दूरी 110 किलोमीटर का है। जगह तो खूबसूरत है ही, पर उससे ज्यादा खूबसूरत ये सफर है। एक पल तो आपको लगेगा कि आप कहीं दूसरे देश में तो नहीं हो, और अगर उस दिन थोड़ा बादल और थोड़ा सूरज के बीच में आंख में चोली हो जाए तब तो आपको पहुंचने से ज्यादा सफर में मजा आने वाला है। तो ये थी दोस्तों वो 10 जगह। वैसे जगह तो और भी है पर वो भी मैं धीरे धीरे आपके सामने लाता रहूंगा। और यकीन मानिए दिस इज द परफेक्ट टाइम टू विजिट, क्योंकि अभी ना तो उतनी बारिश हो रही है और ना ही उतना सूखा है। तो ये सब डैम्स में या फिर वाटरफॉल्स में जितना पानी होना चाहिए आपके मजे करने के लिए उतना तो आपको मिल ही जाएगा। तो देर किस बात की, बनाइए आपका प्लान। और हाँ, ये तो एक ट्रेलर था इन जगहों का, इनकी असली कहानी तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अपना प्लान बनाने से पहले वो सारी कहानी जरूर देखिए और उनमें से कोई भी जगह आपके पसंद के हिसाब से हो आइए और मुझे जरूर बताइएगा वो जगह आपको कैसा लगा। और अगर इन केस उन जगहों के बारे में आपको मन में कोई सवाल है तो मुझे आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके उसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए, आपके साथ हमारी अगली मुलाकात उन 10 कहानियों में से किसी एक कहानी में होने वाला है। तो आज की हमारी कहानी बस इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और एक दिन किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।